तो बच्चों ये मेरे हिसाब से सवाल अब हो जाएगा। जो भी ऐसा कुछ सवाल आएगा जब सुपर इम्पोज करने के लिए बोलेगा, तो फेजर डायग्राम को लेना है, साइन ओमेगा टी कहाँ रखना है वो मैंने बता दिया है, और आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, साइन ओमेगा टी होगा तो कॉस ओमेगा टी कहाँ होगा, माइनस कॉस कहाँ होगा, माइनस साइन कहाँ होगा, वो मैंने बता दिया। फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट डैम्प ऑसिलेशन, है ना, या इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी लिखा जाता है, तो मैं यही लिख देता हूँ, डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे पता है आपने SHM क्यों नहीं लिखा। हाँ ऐसे जब गड़बड़ हो जाता, बच्चे भी नहीं समझ पाते, है ना, होते हैं बच्चे होते हैं। सिंपल तो SHM का क्या कंडीशन था पहले मुझे ये बताओ, अगर SHM होता तो क्या कंडीशन था, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, मरु नाली बताओ, टाइम के, है ना, क्यों? हाँ है। वाह वाह, टाइम अद्भुत। कैसे सर? टाइम कांस्टेंट, टाइम इंटरवल कांस्टेंट होता है वहां, फोर्स इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोजीशन के होता है वहां पे, क्यों मैं यू ममता गेस? नहीं हूँ। हाँ तो बोलना चाहिए था, या फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस के एक्स डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स के एक्स, ठीक है। और हमको पता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड पूरे SHM के दौरान सेम रहता है, एम्पलीट्यूड पूरे SHM के, क्या SHM प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सोच के बताओ। हाँ पॉसिबल है, कहाँ पे? स्पेस में, स्पेस में पॉसिबल है, कहाँ हाँ पे? स्पेस में। अगर एक बार ऐसा पेंडुलम लटका के ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे 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 होता रहेगा, बाकी जगह पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, एयर है ना, बहुत सारा फैक्टर्स है जो इसको रोकने की कोशिश करता है, बट ऐसा वहां पे कुछ नहीं होगा। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम रहता है, चेंज नहीं होता, एक बार एम्पलीट्यूड का कोई वैल्यू ए आ गया तो वो एम्पलीट्यूड फिक्स, करेक्ट? यस एम्पलीट्यूड सेम या फिर कांस्टेंट रहता है, तुम बोलोगे करेक्ट। एनर्जी कंजर्व रहता है, हम ये भी जानते हैं, एनर्जी कंजर्व, देख लियो टोटल एनर्जी वहां पे कांस्टेंट है, तो एनर्जी तो कंजर्व ही है। और इसके इक्वेशन को अगर बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में अगर मुझे दिखाना हो, तो मुझे लगता है मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, अगर फेज डिफरेंस 0 है तो, करेक्ट योगेश दादा? कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्लस फाइव दिखाते हैं फेज को, कि भैया इनिशियल फेज कहाँ था, इनिशियल फेज 0 पे होगा तो 0 दिखा दें, ठीक है। अब असली वाला जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है SHM, वो देखो उसमें फोर्स कैसे होता है, उसमें फोर्स डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, किसके होता है? वेलोसिटी के। तो बोले अच्छा यस, इसको हम दिखाते हैं माइनस बी वी, बी क्या है? एक कांस्टेंट है, बी क्या है? एक कांस्टेंट, ठीक है, और पी और वी दोनों मिला के हम कहते हैं एयर फ्रिक्शन, इसको क्या कहते हैं? एयर फ्रिक्शन। अब प्रैक्टिकली जरा सोच के देखो, वेक्टर साइन, अब प्रैक्टिकली जरा सोच के देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई पत्थर को ऐसे लटका दिया और ऐसे फेंका, तो क्या एयर इसको अपोज नहीं करेगा कि चल भाई उधर जा उधर जा, और जब ये करेगा इधर से इधर आता रहेगा तो बोलेगा चल उधर जा, ऑलवेज उल्टा डायरेक्शन अपोज ही करेगा, तुम बोलोगे हाँ ऑलवेज अपोज करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन तुमको याद नहीं करना, मैं बताता हूँ तुमको याद क्या रखना चाहिए, अगर रखने की चाहत है तो, है ना, वैसे तो इसके ऊपर सवाल बहुत कम आया है, आई थिंक एक बार आया है शायद, या वो भी नहीं आया, मैं एक बार देख लूंगा पीछे, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। हाँ तो ये है ऐसा, तुम बोलोगे ठीक है, तो अच्छा ये एयर फ्रिक्शन है, यस, नहीं सॉरी मैंने गलत बताया, ये एयर फ्रिक्शन है, वेलोसिटी किसका है? एयर का है, तुम बोलोगे ठीक है, बी कॉन्स्टेंट है, तुम बोलोगे ठीक है, वेलोसिटी है बी एयर का और बी एक कॉन्स्टेंट है, तो अगर कोई पार्टिकल इधर जाता है तो एयर बोलता है चल इधर चल, और कोई पार्टिकल इधर से इधर आता है तो एयर बोलता है चल इधर चल, यानी ऑलवेज क्या करता है? अपोज करता है, तुम बोलोगे ठीक, ऑलवेज अपोज करता है, तो चला कौन रहा है इसको, तो इसको चला कौन रहा है? तुम बोलोगे सर चला रहा है ना ये वाला, आप जो लिखे थे वही चला रहा होगा, तो ठीक है ये चला रहा है, तो मैं एफ इज इक्वल्स टू लिखता हूँ माइनस के एक्स प्लस माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा माइनस बी वी। अब बताओ एक रोक रहा है एक चला रहा है, ठीक है एक्स पोजिशन में, एकदम सही लिखा? तुम बोलोगे हाँ एकदम सही लिखा। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, हम इन सब को, इन सब को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, हम क्या करते हैं सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कर दें? तुम बोलोगे हाँ कर दो, या उल्टा करते हैं, सुनो
फोर्स किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? तुम बोलोगे सर फोर्स डिफरेंशिएशन हो सकता है एक्स का, अगर दो बार करे तो फोर्स बराबर हो जाता है dx by dt, क्या होता है वेलोसिटी, dv by dt क्या होता है एक्सेलरेशन। तो देखो dx square into dt square into m, क्या ये फोर्स होगा योगेश दादा, सोच के बताइएगा। बोलोगे जरूर बिल्कुल होगा। हाँ सर ठीक, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस kx, तुम बोलोगे करेक्ट। और वेलोसिटी किसका हो सकता है, माइनस b dx by dt का हो सकता है। कोई दिक्कत है योगेश? ठीक है सर। अब इस सब को अगर मैं एक साथ एक तरफ ले आऊं तो किसको इस बात से दिक्कत हो जाएगा, किसी को नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा m d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ ऐसा लिखा जा सकता है, ये इक्वेशन कुछ दिखा रहा है, हम बताते हैं कैसे। इन सब को अगर मैं मास से डिवाइड कर दो, इन सब को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो ये m से m कट जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, तो m को गायब कर दो, है ना। ये क्या हो जाएगा मास से डिवाइडेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मास से डिवाइडेड। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको जरा तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ गया d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x, d स्क्वायर x k बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर लिखते थे, याद आ रहा होगा, तुम बोलोगे हाँ x, और प्लस b बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं, b बाई एम ही लिख सकते हैं, और dx सॉरी b बाई एम ही लिख सकते हैं, और dx बाई डी टी को वेलोसिटी लिख देते हैं, b बाई एम ही रखते हैं और dx बाई डी टी को वेलोसिटी रख देते हैं और इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट है योगेश? तुम बोलोगे हाँ एकदम सही। अब जब इसको सॉल्व किया जाता है, मैं सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूं, मैं सीधा फाइनल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे ओमेगा स्क्वायर, अपने को ओमेगा स्क्वायर से लेना देना, यहाँ से जब हम टोटल इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन जो एस एच एम का निकल के आता है वो सुनना, वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, जो लिखना है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्स क्या लिख दे, एक्स लिख दे, वाई लिख दो, एक्स लिख देते हैं ना, तुम लोग हमेशा एक्स ही करते हो। एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट, ए नॉट यहाँ पे क्या होगा एम्पलीट्यूड ई, ठीक है, बी टी बाई टू एम, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ना, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये है फॉर्मूला। तो थोड़ा और सारी अरे यार हटाओ रुको, ई ई का पावर है माइनस बी टी बाई टू एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन से इस तुम्हारे मन में सवाल उठेगा सर आपने ए नॉट क्या लिखा, तुम लोग मुझे बताना, मैं जो पूछ रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकली बताना। अगर मैं अभी तुम्हारे घर में आऊं एक ऐसा पेंडुलम बना के ऐसे ऐसे घुमाऊं तो क्या इसका एम्पलीट्यूड हर मिनट या हर टाइम में चेंज होगा, हाँ कि ना, सोच के बताओ। मीन से एक्सट्रीम का पोजीशन चेंज होगा, तुम बोलोगे हाँ सर धीरे धीरे तो वो रुक जाएगा ना, पहले यहां तक जाता था फिर कुछ देर के बाद यहीं तक जाएगा फिर यहीं तक जाएगा फिर यहीं तक फिर रुक जाएगा, अरे हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रैग है, यहाँ पे एयर माइनस बी क्या है कॉन्स्टेंट एयर के लिए, तो ये बिल्कुल रोकने की कोशिश करेगा, स्पेस में रहता तब ना, यहाँ तो एनर्जी कंजर्व ही नहीं हो रहा। तो मैं लिखूंगा किसी भी टाइम पे, सुनो किसी भी टाइम पे अगर आपको एम्पलीट्यूड पता करना है किसी भी टाइम पे, एटी एटी क्या है एम्पलीट्यूड एट टाइम टी, तो वो योगेश दादा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट ई का पावर माइनस बी टी बाई टू एम। अगर याद रखना है इसको याद रख लो, अगर याद रखने का इच्छा है तो ये याद रख लो। अब इसमें जरा एक और अच्छी बात बताते हैं हम तुम लोगों को, b by 2m एक कांस्टेंट होता है जिसको हम k से दिखाते हैं, क्योंकि मास भी एक क्या है कांस्टेंट है, 2 भी क्या है कांस्टेंट नंबर है, b भी क्या है एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, हम इसको ऐसे दिखाते हैं at is equals to a not e का पावर माइनस kt, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने k लिख दिया है
किसके बराबर? बी बाई टू एम के। एक कांस्टेंट है, तुम बोलोगे ठीक। अब इसको और ज्यादा चेंज किया जाता है और टी की जगह हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम की जगह हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और मैं तो यही बोलूंगा इन्हीं दोनों फॉर्मूला को याद करो, क्योंकि इसी से आपका काम निकल जाएगा। ऊपर वाला याद मत करना, ये पिंक वाला याद करना। मैं सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे एटी क्या है? एम्पलीट्यूड एट टाइम टी। क्या है? सॉरी, मैंने फॉर्मूला में ये गलत लिख दिया, एन हो गया, एन वहां पर लिखा। तो ए एन क्या हो जाएगा? मैं ये भी लिख देता हूँ, ए एन हो जाएगा एम्पलीट्यूड आफ्टर एन ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड आफ्टर एन ऑसिलेशन। एन क्या है यहाँ पे? ए नॉट क्या है? ई तो जानते हो क्या होता है, ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ना। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मैं सवाल दिखाता हूं कैसा सवाल आता है और कैसा सवाल, कैसे सवाल सॉल्व करना है। ए नॉट क्या है? इनिशियल एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड। पहले मैं एक चीज चेक कर लूं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं, इसके ऊपर आज तक एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया, एक भी नहीं आया, जीरो जीरो क्वेश्चन। गॉट इट योगेश? सभी बच्चे इसके ऊपर जीरो क्वेश्चन है। हाँ सर। चलो कोई नहीं, मैं दूंगा अच्छा सवाल ताकि सॉल्व करे उसको, है ना। सॉल्व करने वाला देते हैं, जो देखते ही सॉल्व हो जाएगा कि फॉर्मूला में पूछेगा कौन सा फॉर्मूला सही है, तो वो तो फिर है ना गलत हो जाएगा क्या। फॉर्मूला वाला नहीं देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, बता दोगे। सॉल्व करने वाला देते हैं, दे दे दो, ले लो। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ऑसिलेटर। इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन वन सेकेंड, देन आफ्टर टू सेकेंड एम्पलीट्यूड विल बी। इनिशियल एम्पलीट्यूड ए, इनिशियल एम्पलीट्यूड इज नॉट ए, इनफैक्ट इनिशियल एम्पलीट्यूड इज ए नॉट। क्लास में सब ठीक है? हेलो, यस ऑफ कोर्स इन क्लास एज यू नो 6 बजे। हाँ व्हाट? Yes, what is your problem? बोलो बच्चों, समझ आया क्या? समझ आया? A question लिख रहे हैं सर। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शंस लिख लो, 1/4 ए नॉट। मैं ये सवाल सॉल्व करूंगा, उसके बाद तुम लोग अपना दूसरा सवाल सॉल्व करना, ठीक है। 1/2 ए नॉट, ए नॉट रूट 3 ए नॉट बाई 2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, वैसा सवाल नहीं पूछेगा। गॉट इट? बताओ। हाँ सर। यस, इट्स गुड दैट यू गॉट इट। चलो आओ सॉल्व करते हैं मित्रों। सभी लोग क्वेश्चन लिख लिए क्या? नहीं, रुको। गाइस अब स्टार्ट करें। रुक जाओ। डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्पिंग फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ऑसिलेशन। इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन वन सेकंड, then after 2 seconds. If amplitude becomes
टाइम का रिलेशन, ठीक है, ओके। कर दो स्टार्ट। आओ मित्रों सुनो, सवाल देखो, सीखो और सुनो। बोला है इन डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ऑसिलेटर दैट वी नो। इन एम्पलीट्यूड, इफ एम्पलीट्यूड बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसी का क्या हो सकता है मुझे बताओ। अगर मैंने पेंडुलम बनाया और तुम्हारे, अरे यार क्या हो रहा है, अगर मैंने पेंडुलम बनाया और मैंने उसको झुलाना स्टार्ट कर दिया तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब रहा होगा? इनिशियल रहा होगा ना, पहले बार ही तो काफी ज्यादा दूर जाएगा, उसके बाद तो निरंतर उसका दूरी कम होता जाएगा। कितने लोग ये बात मानते हो? हाँ सर, हाँ सर। तो इनिशियल वाला ही मैक्सिमम होता है, जरा खोपड़ी लगाना पड़ेगा ना, अगर है भगवान का दिया हो तो यूज तो करना पड़ेगा। तो मैं लिखना चाहता हूँ ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट, क्योंकि हमको ए नॉट यहाँ दिया है, ए नॉट ई का पावर माइनस के टी। तो पहले हमको एक सेकेंड के लिए निकालना है, कहाँ है, इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड हाफ हो गया है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी ए नॉट। तो यहाँ पे लिखते हैं ए नॉट का आधा हो गया है, कब, जब ई माइनस के का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना, वन। तो यहां से इसको सॉल्व करो, ई नॉट से ई नॉट कट जाएगा, तो वन बाई टू बराबर क्या आता है योगेश दादा, ई माइनस के यानी के इंटू वन, तो ई माइनस के का वैल्यू कितना आ गया, वन बाई टू, कितना आ गया, वन बाई टू। अब आओ दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा क्या बोला है, अब दो सेकंड पे निकालना है तो निकाल देते हैं। दो सेकंड पे क्या होगा, दो सेकंड पे मान लो एटी है, दो सेकंड पे मान लो एटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट ई का पावर माइनस के बाई टी। अब मुझे बताओ, सभी बच्चे बताएंगे ई का पावर माइनस के को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे सर वन बाई टू रख दो, सिंपल रख दे, क्या रख दे, वन बाई टू, ऐसे ही सॉल्व किया ही जाता है इस तरह के सवाल को। तो मैं लिखूंगा ए नॉट वन बाई टू, टी का पावर कितना है, टू है ना, मैंने ई का पावर माइनस के को ही रख दिया है वन बाई टू, तो टी कितना आ गया, देखो दो सेकंड बोला है, टू सेकंड, इसका करो मल्टीप्लाई, एटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई फोर, ए नॉट बाई फोर आ गया, वन बाई फोर ए नॉट। इजी या बहुत इजी, ऐसा ही एक सवाल दे, 100% सेम, इसके ऊपर वैसे कभी सवाल पूछा नहीं गया, फिर भी दे क्या, दे दो सर, आओ दोस्तों ले लो एक सवाल, उसके बाद सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे, पोस्ट ऑसिलेशन विच विल बी लास्ट टॉपिक। सुनिए सवाल, इसको लिखना नहीं है, सवाल को रफ में सॉल्व करना है, मैं पहले ही बता दूं, या लिखने का मन है तो लिख लो, देख लो। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन The amplitude of oscillation is reduced to half of its initial value of 5 cm at the end of 25 oscillations. What will be its amplitude when the oscillator completes 50 oscillations? हो गया, लिख लिए दोस्तों, नहीं चल रहा है अभी, चलाओ चलो। पहले ई का पावर माइनस के का वैल्यू निकाल लेना है ना, ई का पावर माइनस के का वैल्यू निकाल लेना, हो गया। अब जो बताने वाले हैं वो और भी, मतलब क्या है, कमजोर, इससे भी मतलब इसके ऊपर भी सवाल नहीं आता, सवाल नहीं आता है ना, कभी नहीं आता।
वैसे मैं इसमें कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। पूछ नहीं रहे, पहले एक चीज बता देते हैं, अगर कभी भी डैम्प ऑसिलेशन में तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछे ना, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है ना उसी के बराबर होगा, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा उसी के बराबर होगा, वहां नेचर का, एयर का, जिस सब का जैसा फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से, ठीक है, उसी के बराबर होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। गॉट इट? अब आओ बात करते हैं जरा सा फोर्स्ड ऑसिलेशन। हो गया सॉल्व? हो गया या सॉल्व करके दिखा दें? नहीं, 5 मिनट चल रहा है अभी, मतलब 5 मिनट यार बहुत होता है, 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड ले लो। अभी अभी तो क्वेश्चन लिख के खत्म हुआ, इसीलिए बोले उसके बाद 5 सेकंड लो। सर फोर नहीं, एक सेकेंड, हाँ 5/40, 1.2 सेंटीमीटर आसपास। आंसर तुम्हारा शायद सही आ गया। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ए एन वाला है ना? हाँ, क्या लगाएंगे? ए नॉट, अगर मान लो ए नॉट है तो माइनस के एन। क्या बोला है भैया? इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ 25 ऑसिलेशन है ना, इनिशियल वाला क्या बोल दिया है? 5 सेंटीमीटर इन डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर है ना। ओ तो ए नॉट का वैल्यू कितना दिया है दोस्त? ए नॉट का वैल्यू दिया है वो 5 सेंटीमीटर। अभी हम ए नॉट का वैल्यू लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व करके दिखा दूं क्या, मैं ए नॉट को अभी ए नॉट ही ले रहा हूँ, ए नॉट 2 हो गया है, विच इज इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस के, और एन कितना बार ऑसिलेट किया है? एन का वैल्यू कितना? 25। यस ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ये ए नॉट, ए नॉट कट गया, ए नॉट का वैल्यू 5 दिया है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन 5 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, 5 5 वैसे भी कट जाएगा है ना, 5 भी कट जाएगा, तो 1/2 बराबर ई माइनस के 25। लो ई माइनस के 25 का वैल्यू हमको पता चल गया 1/2। दूसरा बताओ, दूसरा क्या बोला? व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन द ऑसिलेटर कंप्लीट 50 ऑसिलेशन। अब एटी का वैल्यू, ए एन का वैल्यू पता करना है, ए नॉट की जगह 5 डालो, ई का पावर माइनस के एन, e का पावर माइनस के का वैल्यू हमको पता है कितना? 1/2, तो 5 × 1/2 का पावर 50। हाँ, कैसे 50 लिख रहे हो? तो चलो शिट, वो 25 भी तो है ना, 1/25। बहुत इजी है, बहुत इजी है। यस यस यस, 25 को हमको करना पड़ेगा। एक मिनट अभी मत करो, गलत हो गया। e का पावर माइनस k की जगह और n की जगह मैं लिखूंगा 50 है ना, तो 5 × e का पावर माइनस k, 25 × 2 लिख दें अब तो चलेगा, e का पावर माइनस k 25, ये है ना, देखो ये है ना 1/2। अब ठीक है मृणाली? 1/2। हाँ सर। पांच बाई चार कितना हो जाएगा? 1/1.25। हाँ। अब चलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। कभी झूला झूली हो ममता? हाँ। कैसा लगा झूला? हाँ, झूला कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तो आओ तुमको झूला झूला। आंसर वो क्या दे रही है? भोली वाली प्यारी बच्ची है, प्यारी बच्ची, बाप रे सर, भूल गए शायद।
ये लास्ट है टॉपिक जिससे सवाल नहीं आता, ये तो झूला है। सर आप सीखने में कोई दिक्कत है? नहीं दे दो। ये ममता यहाँ पे बैठी हुई है। वाओ प्यारी ममता है, लेकिन ममता अपना है, सात बाल है अभी। ठीक है, ममता यहाँ बैठी हुई है और झूल रही है, और इसको अगर ये झूलेगी ऐसे बैठ के तो कब तक झूल पाएगी? तुम बोलोगे सर दो ऑसिलेशन कर पाएगी, तीन बार झूलेगी रुक जाएगा झूला, हाँ या ना? तो तुम्हारे हिसाब से हाँ। इस झूला को झूलते रहने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए होगा, राइट? हाँ। तो कांस्टेंट फोर्स देने के लिए इधर रामू है, रामू को छोड़ो ओमू को बैठाओ, रामू तो झूला फिर मृणाली ले लेते सर। नहीं 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 रामू का चेला चपाटी है ओमू। ठीक है, तो ये इसको बार बार धक्का दे रहा है, ये झूल रही है, धक्का दे रहा है झूल रही है, धक्का दे रहा है ये झूल रही है, तो ये कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा है। बस मुझे एक बात बता देना, बस मुझे एक बात बता देना कि अगर मैं इसके इसके झूलने का मैं इक्वेशन लिखूं जो कि टाइम पे डिपेंड करता है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मैं ये लिखूं ए साइन ओमेगा वन टी, ठीक है मैं ये लिखता हूं, तुम बोलोगे हाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे ये बताओ क्या इसका ऑसिलेशन पीरियोडिक है? क्या हर जगह एक टाइम इंटरवल से ये झूलती रहेगी, वो फोर्स देता रहेगा या झूलती रहेगी, वो फोर्स देता रहेगा या झूलती रहेगी? अरे हाँ या ना बोलो। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो क्या सर? हाँ। क्या फोर्स का टाइम ऑफ इंटरवल सेम रखना पड़ेगा, यानी हर दो सेकंड या हर तीन सेकंड या हर चार सेकंड पे एक फिक्स्ड इंटरवल पे फोर्स देना पड़ेगा, यस और नो बताइए? यस बिल्कुल, क्योंकि अगर या तो इंटरवल के बाद दे दे या तो इंटरवल से पहले दे दे तो पूरा ऑसिलेशन का खेल ही बिगड़ जाएगा। मान लो इसका झूला यहाँ पे है और ये झूला इधर आ ही रहा, पहले ही कूद के दे दिया फोर्स, ले अब तो और तेजी से इधर उधर भाग जाएगी, सब सिस्टम ही बिगड़ गया। मान लो ये आई और ये चला चली गई यहाँ से आगे, और तब ये फोर्स के लिए दौड़ा, तब तो ये जा चुकी, समझ रहे हो? तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स देते रहना पड़ेगा। तो अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे फोर्स लग रहा है तो दोनों का मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तभी तो मामला ठीक से बनेगा झूला। हाँ सर। तो ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये जो डेथ के सा बंदा यहाँ दिख रहा है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन करवा रहा है। ये क्या कर रहा, फोर्स्ड ऑसिलेशन करवा रहा है। ठीक है, और इसका जो अप्लाइड फोर्स है दोस्त, ये पीरियोडिक फोर्स है। ये अप्लाइड फोर्स क्या है? पीरियोडिक फोर्स, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो अप्लाई कर रहा है वो फोर्स, तुम बोलोगे हाँ। और इसी वजह से ये ओमू और चोमू दोनों का जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है सेम हो गया। एंगुलर फ्रिक्वेंसी को ओमेगा से लिखे, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, एंगुलर नहीं ओमेगा से ही लिख देते हैं, लिखने में टाइम है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स है ना इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दोनों सेम है कि नहीं है? तुम बोलोगे करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूं विच विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, जो फोर्स लगा रहा है एफ नॉट साइन ओमेगा टू टी, वेयर ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर इक्वल। बताइए, अब यहां से एक इक्वेशन बना देते हैं दोनों को बराबर करके, और वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ए एक्स विच विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा क्या ये याद रखना है हमें, तो जवाब है जी नहीं, आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, एक भी फोर्स याद नहीं रखना। तो याद क्या रखना है, तो याद क्या रखना है, ये याद रखना, ठीक है, ओमेगा फोर्स बस यही, दोनों का बराबर होता है, दोनों का क्या होता है बराबर, और कुछ भी याद नहीं। इसमें एक केस होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस एक्चुअली देखा जाए तो एक स्पेशल केस है। अब तुम बोलोगे सर क्या मतलब स्पेशल केस, उसमें क्या होता है? रेजोनेंस तभी होता है
जब हम किसी ऑसिलेशन को फोर्स देके करवाते हैं और उसमें ऑसिलेशन और फोर्स दोनों का जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है बराबर हो, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। मैं लिख ही देता हूं, मैं लिख ही दे, इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत याद रखने के लिए उछल कूद मचा रहे हो तो ये फॉर्मूला ऑरेंज वाला याद रखना, ठीक है? लेकिन 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 इससे कोई फायदा होगा नहीं। वही तो ये करवाता है रेजोनेंस। इसके लिए क्या वर्ड है? रेजोनेंस वर्ड है। और ये जनरली किसके बराबर होता है? नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया या इस पे सवाल? क्या सवाल करोगे इसको बताओ? वही तो, खत्म ना? हाँ खत्म। सवाल करोगे तो वही सब पूछेगा। क्या पूछेगा? कि रेजोनेंस क्या होता है? ओमेगा वन ओमेगा टू, यही है सवाल, और क्या है? और कोई सवाल नहीं है। लग नहीं रहा है सर, खत्म हो गया इतने जल्दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्रीवियस ईयर उठा के देख लो कोई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Yes. Yes. तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो फोर्स फोर्स हम लगाते हैं ना, एफ नॉट साइन ओमेगा टू डी, ये वो, ठीक है, ये फोर्स उतना ही होता है जितना नेचर एयर की वजह से लगाता है और जितना ऑसिलेशन के लिए kx होता है, वो सब बराबर इसके बराबर होता है। अगर बोलोगे तो मैं लिख सकता हूँ, बट यानी ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, देखो इसी को, ये ft किसके बराबर हो जाएगा? ft को मैं क्या लिख सकता हूँ? ft को मैं लिख सकता हूँ फोर्स प्लस kx प्लस bv। ये फोर्स कौन सा है जो अपने अप्लाई किया? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड, हाँ साइन के साथ डालेंगे, अप्लाइड फोर्स। बता देते हैं, ऐसे ही टाइम है, बता देंगे। और kx bv के लिए हमने इक्वेशन अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। या इस फोर्स के लिए तो इक्वेशन है ना अपने पास, तो देखो इसको ft को ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ft के लिए क्या लिखे हो? या छोड़ो, पहले kx को लिखो, माइनस kx माइनस bv प्लस, इसके लिए क्या लिखे थे ऊपर, चलो f नॉट साइन ओमेगा टू टी, क्या लिखे थे? प्लस f नॉट साइन ओमेगा टू टी, ओमेगा टू टी, यही है, घूम फिरा के बात वही है, लिखना है लिखो, नहीं तो इस इक्वेशन का कभी कोई काम नहीं पड़ेगा। अगर किसी को याद करना है तो ऑरेंज वाला जो बक्सा है ना वो याद कर लो, ठीक है? ये चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है, एक सवाल देकर मैं समाप्त करता हूँ, इसका जवाब देखते हैं कौन दे देता है। ये सवाल देके समाप्त करते हैं। ये सवाल है ममता के लिए, सभी के लिए, और इसका जवाब देगी मृणाली। सवाल ममता के लिए, जवाब मैं क्यों दूंगी? ये एक स्ट्रिंग से बंधा है, पांच पेंडुलम, ठीक है? अगर मैं इसको मूव करता हूँ, एक को मैं हिट करता हूँ, ठीक है, पहले बॉल को मैं अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो इनमें से किस बॉल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा? 1 2 3 4 5, आराम से इसको बताइएगा, ठीक है? तो किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, है ना? तब एक कॉमन सपोर्ट से ही जुड़ा है, स्ट्रिंग कॉमन है सबका। ये चैप्टर यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।